वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल यश टेक्निक में। यश टेक्निक जो आपको पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड करता है। तो आपसे फिर से मुलाकात अच्छी हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं आज की वीडियो है किसके ऊपर। तो बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंट्रोडक्शन पर बनाई थी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन से सिलेबस है, क्या क्या कंटेंट है जो हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला लेक्चर है। तो इस पहले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, स्केल्स के जो भी बेसिक टर्म्स होते हैं ना, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों क्या करें, आप वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को, और वीडियो पे कमेंट जरूर करना अगर आपको कुछ ना कुछ डाउट रहता हो तो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर आप ईडी रेगुलर यहां से देखते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की कोचिंग कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप हमारी वीडियोस को रेगुलर देखें। तो बच्चों, कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है हमारा, ईडी फर्स्ट, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। ठीक है बच्चों, ईडी फर्स्ट पढ़ने वाले हैं हम, और जिसमें भी हमें बच्चों क्या स्टार्ट करना है बच्चों, चैप्टर जिसका नाम है हमारा स्केल्स। क्या नाम है बच्चों, स्केल। स्केल एक चैप्टर है इंजीनियरिंग ड्राइंग में जिसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी सारी बेसिक्स आज की वीडियो में हम जान लेंगे। तो बच्चों, स्केल स्टार्ट करने वाले हम, तो जानिए स्केल होता क्या है बच्चों, स्केल क्या होता है। आपने बचपन से स्केल यूज करते हुए आ रहे हैं, स्केल का काम करते क्या है आप, स्केल से नाप, मतलब स्केल से नापने का काम करते हैं ना, मतलब कोई भी चीज, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसकी क्या करते हैं आप, साइज को नापने के लिए क्या करते हैं, स्केल का प्रयोग करते हैं। जैसे स्केल छोटी मोटी ऑब्जेक्ट है तो आप जैसे कि 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की स्केल का यूज करते थे। तो स्केल बच्चों, मैं एक चीज समझ गया स्केल से, स्केल क्या होता है, स्केल इज अ डिवाइस Which is used to measure to measure scale is a device which is used to measure any size of the object. मतलब किसी वस्तु के किसी साइज को मापने के लिए हम जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं बच्चों, उसको हम स्केल बोलते हैं। मतलब स्केल इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर एनी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, स्केल का हमने ये डेफिनेशन देखी। तो बच्चों क्या है, जब आप स्केल स्टार्ट करें तो सबसे पहले स्केल डालें और ये डेफिनेशन लिखें, स्केल इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर एनी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बच्चों, स्केल सीखने के लिए हमें 6 चीजों को जानना बहुत आवश्यक होता है। अगर ये 6 चीजें आपको नहीं आती हैं तो आप स्केल को ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले 6 चीजों को मैं बताऊंगा उनको, तो लिखते हैं क्या, 6 थिंग्स आर नेसेसरी। जो बच्चे देखें हिंदी से हैं वो थोड़ी इंग्लिश भी पढ़ा करिए ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए, और मुझे इंग्लिश हिंदी दोनों को पढ़ाना है इसलिए थोड़ा इंग्लिश में पढ़ाऊंगा मैं। 6 थिंग्स आर नेसेसरी टू लर्न स्केल, मतलब स्केल को सीखने के लिए या पढ़ने के लिए हमें 3 चीजों को जानना आवश्यक है। 6 थिंग्स आर नेसेसरी टू लर्न स्केल। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं क्या है ये 6 चीजें। देखिए बच्चों, स्केल इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर एनी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, 6 थिंग्स आर नेसेसरी टू लर्न स्केल। तो सबसे पहली चीज बच्चों क्या है, साइज। क्या है बच्चों, साइज। अब साइज से क्या मतलब है हमारा बच्चों, बच्चों आप ऐसा इमेजिन करिए जैसे कि कोई मशीन का पार्ट है वो बहुत बड़ा है,
उसकी लेंथ समझ लीजिए 50 फीट है। तो एक बात बताइए मुझे बच्चों, उसकी एक्चुअल लेंथ बच्चों 50 फीट है, तो क्या 50 फीट आप उसकी एक्चुअल लेंथ को आप अपनी ड्राइंग पर मतलब ड्राइंग शीट पर बना लोगे? 50 फीट की ड्राइंग ऑब्जेक्टिव बनानी है, बना लोगे? नहीं बना पाओगे ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो लेंथ है उसको रिड्यूस करके बनाना पड़ेगा। क्या करके बनाना पड़ेगा? रिड्यूस करके बनाना पड़ेगा। और ऐसा समझिए बच्चों, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पार्ट है जो बहुत छोटा है, जैसे कि आपकी वॉच समझ लीजिए, रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच में कितने छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, इन पार्ट्स की ड्राइंग क्या आप इतनी छोटी बना दोगे आपको समझ में आ जाएगी? नहीं आएगी ना। तो इनकी ड्राइंग को आपको क्या करना पड़ेगा, एनलार्ज करना पड़ेगा, मतलब बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा करके ड्राइंग शीट पे दिखाना पड़ेगा। तो मतलब इसकी साइज को आप, इसकी ड्राइंग साइज में मतलब इसकी ड्राइंग के साइज को आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअल साइज से एनलार्ज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं बच्चों जिनको आप अपने रियल साइज में बना सकते हैं, जैसे कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनको रियल साइज में आप ड्राइंग पे बना सकते हैं। तो उस मतलब आप उसके क्या कर रहे हैं, फुल साइज को बना लेंगे। तो बच्चों, तो साइज कितने प्रकार की हो गए, एक तो फुल साइज, ठीक है, और फुल साइज के मतलब बनाने के लिए जो स्केल होता है वो होता है हमारा फुल साइज स्केल। दूसरे टाइप के बच्चों, रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल में मैंने क्या बताया बच्चों, जैसे कि कोई बहुत बड़ा पार्ट है, इतने बड़े पार्ट हुए, पूरी ड्राइंग के आप एक पेपर में बना लोगे क्या बिना उसके साइज को रिड्यूस करे? तो नहीं बना पाओगे। इसलिए हम क्या करते हैं, उसके साइज को रिड्यूस करते हैं, तब स्केल को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग स्केल। अब बच्चों, कोई बहुत छोटा पार्ट है तो उसके साइज को भी आपको क्या करना है, एनलार्ज करना है, तब जो स्केल प्रयोग होगी उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, एनलार्जिंग स्केल। क्या बोलेंगे बच्चों, एनलार्जिंग स्केल। तो साइज मतलब ये तीन साइजेस के स्केल हमारे पास होते हैं, फुल साइज स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, एनलार्जिंग स्केल। ठीक है, एक बार फिर से देख लें, फुल साइज स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, एनलार्जिंग स्केल। मैंने बच्चों आपको क्या बताया, छह चीजें स्केल को सीखने के लिए बहुत आवश्यक है आनी। तो पहली चीज मैंने आपको बता दी क्या है, साइज, स्केल की साइज। अब दूसरी चीज देखिए बच्चों की, दूसरी चीज होती क्या है, दूसरी चीज है बच्चों आपकी टाइप्स। अगर आपको जैसे कि इस चैप्टर के अंदर ड्राइंग्स बनानी होंगी, आपको स्केल बनानी है, अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि आपको कौन सी स्केल बनानी है तो क्या आप बना लेंगे? मतलब मुझे कम से कम ये तो बताना ही होगा आपको कि आपको कौन सी स्केल बनानी है, प्लेन स्केल बनानी है, डायगोनल स्केल बनानी है या कोई और स्केल बनानी है, मतलब उसका टाइप तो मुझे आपको बताना पड़ेगा। तो वो टाइप हम यहाँ देखेंगे कि स्केल हमारे क्या क्या टाइप के होते हैं। तो जैसे कि स्केल का सबसे पहला और सिंपल टाइप है जिसको हम कह सकते हैं प्लेन स्केल, और इसको बच्चा सिंपल स्केल भी बोल सकते हैं, सिंपल स्केल। फिर बच्चा इसका दूसरा टाइप जो है वो है आपका डायगोनल स्केल। क्या है बच्चा, डायगोनल स्केल। इसके बाद बच्चा इसका एक और टाइप है कंपैरेटिव स्केल। क्या है बच्चा, कंपैरेटिव स्केल। फिर बच्चा एक और टाइप है इसका, क्या टाइप है उसका, इसका टाइप है बच्चा आइसोमेट्रिक स्केल। एक और टाइप आता है बच्चों, उसका नाम क्या है, लॉगरिथमिक स्केल। क्या है बच्चा, लॉगरिथमिक स्केल। उसके बाद बच्चा एक टाइप और आता है, स्केल ऑफ कॉर्ड्स या फिर कॉर्ड स्केल, स्केल ऑफ कॉर्ड्स और कॉर्ड स्केल। ठीक है बच्चा, तो बच्चा हम लोग पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक में बच्चा हमें तीन स्केल को बनाना है। कौन कौन से स्केल को बनाना है, ये सारे स्केल हमको नहीं बनाने, हमको इनमें से सिर्फ तीन स्केल पढ़ने हैं, इन्हीं स्केल्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, सबसे पहला स्केल जो कि आपका प्लेन स्केल है, ये हमें पॉलिटेक्निक में बनाना होता है, ये सबसे सिंपल स्केल भी होता है। फिर एक स्केल जो हमारा पॉलिटेक्निक में बनाना होता है वो आपका डायगोनल स्केल है बच्चा, और एक स्केल है आपका स्केल ऑफ कॉर्ड्स या कॉर्ड स्केल। तो ये तीन स्केल हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे, मतलब अपनी वीडियोस में बनाना सीखेंगे, क्योंकि यही तीन स्केल्स आपके एग्जाम में आएंगे, आपके सिलेबस में भी यही तीन स्केल्स हैं।
ये स्किल आगे कुछ और टाइप होते हैं, पर ये हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे ये सिलेबस में नहीं है। केवल मैंने आपको टाइप्स के जानकारी के लिए बता दिया कि ऐसे ऐसे टाइप के और होते हैं स्किल। तो बच्चा प्लेन स्किल होता क्या है? बच्चा हम जानते हैं प्लेन स्किल क्या होता है। तो बच्चा मैं आपको बता दूं, प्लेन स्किल क्या होता है, बच्चा द स्किल विच शोज द रिलेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स। तो क्या डेफिनेशन लिखी है यहां पे बच्चा स्केल की, प्लेन स्केल की? द स्केल विच शोज द रिलेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स इज कॉल्ड प्लेन स्केल। तो बच्चा इसको क्या है हमारा ऐसा स्केल जो दो क्रमिक यूनिट्स, दो क्रमिक मात्रकों में संबंध बताता है, प्लेन स्केल कहलाता है। बच्चा समझना, जैसे कि आप बचपन से जो स्केल यूज करते हुए आ रहे हैं छोटा स्केल 15 सेंटीमीटर वाला, उसमें बच्चा कौन कौन सी दो यूनिट रहती थी लेंथ को मापने के लिए? एक तो आपकी सेंटीमीटर रहती थी, एक आपकी क्या रहती थी, एक साइड की बात करो, एक तो आपकी सेंटीमीटर रही थी, एक आपकी उसी में क्या रही थी, मिलीमीटर रही थी। तो स्केल का जो ये साइड था ऊपर वाला, वो आपका किन दो यूनिट्स में रिलेशन बताता था? एक तो आपका सेंटीमीटर में बताता था वो बच्चों को, एक आपका मिलीमीटर। और कॉन्जिक्यूटिव से मतलब क्या है बच्चा? जैसे कि 10 मिलीमीटर से हमें पता है 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, मतलब ये कैसी हो गई? कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स हो गई। मतलब पहले मिलीमीटर, मिलीमीटर से मिलकर सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर से मीटर, ऐसे ही मतलब बढ़ती जाएंगी, तो ये कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स हो गई। तो ऐसा स्केल बच्चा जो दो कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स में रिलेशन बताता है, उसे हम प्लेन स्केल कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो प्लेन स्केल हमने समझ लिया कि दो यूनिट्स में रिलेशन बताएगा ये, कोई भी दो यूनिट्स पे। ठीक है बच्चा, अब स्केल ये जैसे कि सेंटीमीटर मिलीमीटर में आपने जो देखा वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर का रिलेशन दिखाता था। अब स्केल ऐसा भी हो सकता है जो मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन दिखाएगा, ऐसा भी हो सकता है जो आपका डेसीमीटर और आपके मीटर में रिलेशन दिखाए, एक आपका ऐसा भी हो सकता है जो आपका किलोमीटर और मीटर में रिलेशन दिखाए। मतलब ऐसे ही टू कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स वाली बात हो रही है, ऐसा स्केल जो हमारा दो कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स में रिलेशन दिखाता है। तो बच्चों हम बेसिक पढ़ रहे हैं, अगर किसी को थोड़ा क्लियर ना हो तो आगे के लेक्चर्स में क्लियर हो जाए, ऐसा मत सोचिए कि ईडी उसको समझ में नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो प्लेन स्केल हमने देख लिया दो कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स में रिलेशन दिखाएगा। तो बच्चों अगला स्केल हमें कौन सा पढ़ना है? अगला स्केल पढ़ना है बच्चों हमें डायगोनल स्केल। तो बच्चे डायगोनल स्केल क्या होता है आज की वीडियो में? बच्चा ये स्केल्स होते क्या है ये सारी हम जान लेंगे, और स्केल क्या चीजें हमें जरूरत होती है स्केल बनाने की ये सारी जान लेंगे। ड्राइंग बच्चा हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो डायगोनल स्केल, लेकिन ड्राइंग बनाने के लिए ये चीजें आना बहुत जरूरी है, इसलिए पूरी वीडियो देखना बच्चा। तो डायगोनल स्केल क्या होता है बच्चा? द स्केल विच शोज द रिलेशन बिटवीन थ्री कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स। तो बच्चा प्लेन स्केल में आप क्या दिख रहे थे? प्लेन स्केल एक ऐसा स्केल था जो दो कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स में क्या कर रहा था, रिलेशन बता रहा था। हमारा डायगोनल स्केल बच्चा ऐसा स्केल है जो थ्री कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स में रिलेशन बता सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक कॉन्जिक्यूटिव यूनिट मिलीमीटर है, फिर एक सेंटीमीटर है, एक आपकी मीटर है, मतलब ये तीन यूनिट्स में रिलेशन आपका ऐसी कोई भी तीन यूनिट्स हो सकती है कॉन्जिक्यूटिव, जिनका रिलेशन आपका डायगोनल स्केल बता सकता है। बच्चा समझ गया बच्चा, उसमें क्या कर सकता है, वो मीटर शो कर सकता है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, तीन यूनिट्स शो कर सकता है, मतलब तीन यूनिट्स के बीच में रिलेशन दिखा सकता है। तो बच्चे डायगोनल स्केल यही होता है। ठीक है बच्चा,
इसके बाद जो हम स्केल ऑफ कॉर्ड्स देख रहे हैं यहाँ पे कॉर्ड स्केल, अब कॉर्ड स्केल क्या होता है बच्चा, तो बच्चा कॉर्ड स्केल चांदा आपने देखा है, चांदा क्या करता है एंगल मेजर करता है, तो कॉर्ड स्केल बच्चा ऐसा ही होता है, द स्केल विच इज यूज टू मेजर द एंगल, मतलब बच्चा ऐसा स्केल जो एंगल यानी कि कोण को मापने के लिए यानी कि मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, कॉर्ड स्केल यानी कि स्केल ऑफ कॉर्ड भी कहलाता है, इसको बच्चा हिंदी में कहते हैं जीवा मापनी, जीवा मापनी। ओके बच्चा, लेकिन कॉर्ड स्केल ज्यादा ध्यान रखना आप। ओके बच्चा, तो हमने क्या देखा, छह चीजें हमें स्केल पढ़ने के लिए जरूर आनी चाहिए। सबसे पहली चीज हमने देखी साइज, फिर हमने उसके बाद देखा टाइप्स, उसके बाद हमने टाइप्स में भी कौन से देखे, कौन से तीन पढ़ने हैं वो देखा, उसके बाद अब हमें क्या देखना है बच्चा, टाइप्स देख लिया, थर्ड चीज हमको क्या देखनी है बच्चा, एक ऑब्जेक्ट है जिसका बच्चा लेंथ क्या है बच्चों, 50 फीट है। ओके बच्चा, 50 फीट लेंथ का मतलब आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी लेंथ होगी, क्या 50 फीट लेंथ को मैं 50 फीट लेंथ वाले ऑब्जेक्ट को अपने फुल साइज में क्या मैं ड्राइंग शीट पर बना लूंगा, मतलब 50 फीट तो उसकी लेंथ है, इस 50 फीट लेंथ को मैं बिना रिड्यूस करके अपनी ड्राइंग शीट पर बना लूंगा, तो नहीं बना पाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं बच्चों, इसको इतना टाइम रिड्यूस कर लेता हूं कि इसकी ड्राइंग मैं आराम से बना पाऊं अपनी ड्राइंग शीट पर। क्या करता हूं बच्चों, मैं एक काम करता हूं, इसको 25 टाइम्स रिड्यूस कर देता हूं, सॉरी बच्चा 25 टाइम्स रिड्यूस कर दिया, तो बच्चा क्या बचा, 2 फीट बचा बच्चा। तो क्या 2 फीट को अब मैं बना सकता हूँ, बिल्कुल बच्चा, ड्राइंग शीट पर 2 फीट की ड्राइंग बना सकता हूँ। तो बच्चा ये आप देखिए, अब इसी से मैं आपको और तीन चीजें समझाने वाला हूँ, क्या बच्चा, ये 50 फीट बच्चा क्या है आपकी एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्या है बच्चा, एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या है बच्चा, एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बच्चा इस एक्चुअल लेंथ को मैंने कितने टाइम्स रिड्यूस कर दिया, 25 टाइम्स रिड्यूस कर दिया, ठीक है बच्चा। तो अब ये 2 फीट जो मैं बना रहा हूँ इसकी इतनी ड्राइंग बना रहा, 2 फीट की ड्राइंग बनाने वाला हूँ, तो बच्चा ये 2 फीट जो मैंने रिड्यूस करने के बाद 2 फीट आया है, ये क्या है, लेंथ ऑफ ड्राइंग, मतलब जो आपका मैं पार्ट बनाने वाला हूँ बच्चा उसकी ड्राइंग कितनी लेंथ की बनाऊंगा, 2 फीट की, मतलब ये 2 फीट ही आपका कितना रिप्रेजेंट करेगा, 50 फीट, ठीक बच्चा। अब ये आपका ये क्या है, 1/25, इतने टाइम्स आपने रिड्यूस किया है, तो बच्चा इसको बोलते हैं आपका RF, RF क्या होता है बच्चा, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या रिप्रेजेंटेशन फैक्टर भी बोलते हैं इसको, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऐसा। तो क्या होता है बच्चों, मैंने इससे आपको क्या तीन चीजें कौन कौन सी समझाई, एक तो आपकी एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक आपकी लेंथ ऑफ ड्राइंग, एक आपकी RF। तो बच्चा मैंने क्या कहा, जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा है, अब इसकी साइज को मुझे इतना रिड्यूस करना है कि मैं आपकी ड्राइंग शीट पर आराम से बन पाऊँ, तो मैंने इसको बहुत कितने टाइम्स, 125 टाइम्स रिड्यूस कर दिया, जिससे इसकी ड्राइंग पर जो लेंथ आई वो कितनी आई बच्चा, 2 फीट, मतलब लेंथ ऑफ ड्राइंग कितनी आई, 2 फीट, ठीक है बच्चा। अब मैंने इसको 125 टाइम रिड्यूस किया, अब इसको मैंने क्या बोल दिया, RF, जितना टाइम मैंने रिड्यूस किया, RF यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो बच्चों मैंने इससे आपको इस इक्वेशन से तीन चीजें बता दी, कौन कौन सी, एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, RF, लेंथ ऑफ ड्राइंग। तो बच्चे मैंने क्या बताया आपको, एक तो आपकी क्या होगी, अभी हम 2 चीजें पढ़ चुके थे, अब तीसरी चीज क्या बताई मैंने आपको, लेंथ ऑफ, मतलब जो ऑब्जेक्ट की रियल लेंथ है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। एक चीज मैंने क्या बताई बच्चे आपकी, लेंथ ऑफ ड्राइंग, ठीक है बच्चा, लेंथ ऑफ ड्राइंग। फिर एक चीज जो मैंने बच्चा क्या बताई आपको, RF यानी कि
रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब बच्चा आरएफ जैसे समझो, आरएफ क्या था हमारा, जो हमने जो अपनी रियल लेंथ ऑफ एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट थी, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको कितने टाइम रिड्यूस किया ड्राइंग पर बनाने के लिए, वो चीज थी हमारी आरएफ। तो आरएफ को हम क्या लिख सकते हैं, आरएफ शोज दैट हाउ मेनी टाइम्स द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट is reduced or enlarged। मतलब बच्चा RF वो है जो ये दिखाता है कि हमारी एक्चुअल लेंथ को ड्राइंग में, मतलब ड्राइंग में बनाने के लिए किसी पार्ट की एक्चुअल लेंथ को कितने गुना घटाया या बढ़ाया गया है। मतलब RF shows that how many times the size of an object is reduced or enlarged। ठीक है बच्चा, अब RF देखिए बच्चा, यहां से इक्वेशन देखिए, जैसे कि ये क्या थी आपकी एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या थी RF, और इनके बीच में क्या था इनटू का साइन, और बराबर क्या था आपका लेंथ ऑफ ड्राइंग, यानी कि दोनों के बीच में क्या होगा बराबर का साइन। तो मतलब यहां से बच्चा हमने क्या फॉर्मूला देख लिया, एक हमने क्या फॉर्मूला देखा बच्चा, लेंथ ऑफ एक्चुअल लेंथ, इसको एक भैया एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू आरएफ बराबर क्या हो गया बच्चा एलओडी, यानी कि लेंथ ऑफ ड्राइंग। ठीक है बच्चा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं लेंथ ऑफ ड्राइंग। अब यहां से बच्चा अगर मैं आरएफ का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो आरएफ बराबर क्या हो जाएगा लेंथ, यहां से आरएफ वगैरह क्या हो जाएगा बच्चा लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा बच्चा एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चा, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलनी हो आरएफ की, मैं डेफिनेशन बोलता हूं आप लोग लिखिएगा, आरएफ इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ड्राइंग एंड एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब लेंथ ऑफ ड्राइंग और एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो क्या कहलाता है, आरएफ कहलाता है। तो बच्चों अब मैंने कितनी चीजें बता दी आपको, एक तो आपको एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ड्राइंग, आरएफ, और पांच चीजें बता दी आपको। कितनी चीजें बतानी है बच्चे मुझे, छह चीजें बतानी है। कितनी बतानी है, छह चीजें बतानी है, मतलब मुझे एक आखिरी चीज और बतानी है। अब बच्चों क्या होता है, जो हमारी एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकती है इसको हम एल मैक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन बच्चा हर केस में ये जो एल मैक्स हमारी की मैक्सिमम लेंथ जिसको हम बोलते हैं, मैक्सिमम लेंथ हर केस में हमारी एक्चुअल लेंथ नहीं होगी। वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि कैसा केस होगा जिसमें आपकी एक्चुअल लेंथ ही आपकी मैक्सिमम लेंथ होगी, यानी कि तो वो अभी फिलहाल हम इतना पढ़ सकते हैं कि एक्चुअल लेंथ को हम एल मैक्स भी बोल सकते हैं, और लेंथ ऑफ ड्राइंग जो कि बच्चा जिसको हम लेंथ ऑफ स्केल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चा एल ओ है, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों बातें बच्चा अटल नहीं है कि एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा एल मैक्स होगी या लेंथ ऑफ ड्राइंग हमेशा एल ओ एस होगी, केवल मैंने आपको बता दिया एक जनरल कंडीशन में। आगे कुछ ऐसी कंडीशन भी आ सकती है जहां पर एल मैक्स आपकी एक्चुअल लेंथ से अलग होगी, तो वहां पर मैं आपको खुद बताऊंगा जब ड्राइंग बनवाता हूँ। फिलहाल आप इतना लिख लीजिए, एक्चुअल लेंथ को हम एल मैक्स भी कह सकते हैं और एल ओ डी एल ओ एस भी होती है। ठीक है बच्चा, तो मैंने आपको कितनी चीजें बता दी बच्चा, पांच चीजें बता दी। अब आखिरी चीज जो मुझे बतानी है बच्चा, आखिरी चीज कौन सी है बच्चा मेरी, आखिरी चीज है बच्चा वो है बच्चा मेरी यूनिट्स। अगर आप स्केल बना रहे हैं और यूनिट्स का आपको ज्ञान नहीं है तो क्या आप स्केल बना पाएंगे? आपको यही नहीं पता कि एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो क्या बच्चा आप इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन दिखाएंगे, बताइए बच्चा। अगर आपको ये नहीं पता है कि एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं तो क्या आप रिलेशन दिखा पाएंगे इन दोनों के बीच में? नहीं दिखा पाएंगे। तो यूनिट्स का ज्ञान होना बच्चों हमें आवश्यक है। तो यूनिट्स देखिए बच्चा, यूनिट्स में बता दूं आपकी तीन तरह की यूनिट्स पढ़ेंगे हम, तीन तरह की यूनिट्स होती हैं। एक तो बच्चा मैं बता दूं, सबसे पहले सबसे पहली यूनिट का टाइप होता है बच्चा लाइनियर मेजरमेंट।
लाइनियर मेजरमेंट। अब बच्चा लाइनियर मेजरमेंट में ये चीजें लिख लेना, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 1 मीटर बराबर सॉरी 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर। क्या है बच्चा? डेकामीटर। और 10 डेकामीटर बराबर क्या होता है बच्चा? 1 किलोमीटर। क्या है बच्चा? 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 किलोमीटर। ठीक है बच्चा। अब देखिए ये है हमारी लाइनियर मेजरमेंट। अब हमारी कुछ होती है बच्चा स्क्वायर मेजरमेंट। ये सारी यूनिट्स जो बच्चा मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये बच्चा याद जरूर कर लेना। क्या करना है? याद जरूर कर लेना है। तो बच्चा स्क्वायर मेजरमेंट में मेरी कौन कौन सी आ जाएंगी? 100 mm स्क्वायर बराबर होता है बच्चा 100 mm स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 mm स्क्वायर बराबर 100 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर होता है बच्चा 1 डेसीमीटर स्क्वायर। 100 डेसीमीटर स्क्वायर बराबर होता है बच्चा 1 मीटर स्क्वायर। 100 लिख लेना इसको। फिर बच्चा इतनी यूनिट्स आपने पढ़ ली और 100 मीटर स्क्वायर यानी कि 100 मीटर स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर बराबर होता है बच्चा आपका 100 डेकामीटर स्क्वायर। इसको क्या लिखते हैं? इसको हेक्टेयर ईयर लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हो बच्चा? ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर। और जो आपका 100 ईयर होंगे बच्चा इसको आप लिख सकते हैं बच्चा क्या हो सकता है आपका? 1 हेक्टेयर। क्या होगा बच्चा? 1 हेक्टेयर। ओके बच्चों, 1 हेक्टेयर होगा। वैसी ये होगी आपकी स्क्वायर मेजरमेंट, ऐसी आपकी FPS यानी कि FPS मेजरमेंट और देखेंगे FPS मेजरमेंट। इसमें थोड़ा बच्चा कुछ छोटी मोटी यूनिट और देख लेंगे हम। तो बच्चा क्या होता है आपकी 25 mm बराबर क्या होता है बच्चा? 25 mm मतलब अप्रोक्सीमेटली 25 mm बराबर होता है 1 इंच। अप्रोक्सीमेटली क्यों लिख रहा हूँ बच्चा मैं? क्योंकि 25.4 mm बराबर होता है 1 इंच, इसलिए क्योंकि अब वो कैलकुलेशन को देखते हुए हम पॉइंट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, 25 mm को हमने अप्रोक्सीमेटली 1 इंच लिखा है। ठीक बच्चा, अब लिखिए 12 इंचेस। 12 इंच बराबर क्या होता है बच्चा? 1 फुट। क्या बच्चा? 1 फुट। ओके बच्चा, 1 फुट। अब 3 फीट बराबर क्या होता है बच्चा? 1 मीटर। 3 फीट बराबर 1 मीटर। तो बच्चा जो मैंने आपको यूनिट्स बताई हैं इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, चाहे तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। तो ये यूनिट्स बच्चे याद जरूर कर लेना, जब मैं अगला लेक्चर आपको पढ़ाऊंगा तो ये यूनिट्स आपको बहुत काम आने वाली हैं। तो बच्चा मैंने आपको क्या 6 चीज़ें पढ़ाई आपको, वो 6 चीज़ें का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, तो बच्चा हम लोग क्या दिख रहे थे? ईडी फर्स्ट का लेक्चर दिख रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहला स्केल के बेसिक से स्टार्ट किया। स्केल का बेसिक स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने स्केल क्या जाना? स्केल इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर एनी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को मेजर करने के लिए हम स्केल का प्रयोग करते हैं, ऐसी डिवाइस है ये। और हमने 6 चीजें देखी जो कि स्केल को लर्न करने के लिए बहुत जरूरी है। पहला साइज यानी कि फुल साइज स्केल, और आपका रिड्यूसिंग स्केल, एनलार्जिंग स्केल। इसके बाद बच्चा, हाँ देखिए फुल साइज स्केल है, फुल साइज के स्केल को क्या हम रिड्यूस करते हैं? नहीं करते, इसलिए इसका एक चीज लिख लेना RF फॉर फुल साइज स्केल। RF फॉर फुल साइज, ये लिख लेना RF फॉर फुल साइज स्केल बराबर क्या होता है बच्चा? 1। RF फॉर रिड्यूसिंग स्केल, फॉर रिड्यूसिंग स्केल
बराबर लेस देन होता है वन, लेस देन वन, और आर एफ फॉर एनलार्जिंग स्केल बच्चा हमेशा ग्रेटर देन वन होता है। ठीक है, ये जो लिख लेना। तो ये साइज मैंने देखा, फुल साइज स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, एनलार्जिंग स्केल। टाइप्स में हमने क्या देखा, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव स्केल, आइसोमेट्रिक स्केल, लॉगरिथमिक स्केल, स्केल ऑफ कॉर्ड्स या कॉर्ड स्केल। इसमें से हमें कौन कौन से तीन टाइप पढ़ने बच्चा, प्लेन स्केल और सिंपल स्केल, डायगोनल स्केल, स्केल ऑफ कॉर्ड्स। तो बच्चा जो जो स्केल पढ़ने हमने उसकी छोटी मोटी डेफिनेशन जानी, कौन सी, प्लेन स्केल, द स्केल शोज द स्केल विच शोज द रिलेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स, डायगोनल स्केल द स्केल विच शोज द रिलेशन बिटवीन थ्री कॉन्जिक्यूटिव यूनिट्स, कॉर्ड स्केल द स्केल विच इज यूज टू मेजर द एंगल। ठीक है बच्चा, इसके बाद हमने एक इक्वेशन देखी। इस इक्वेशन से हमने तीन चीजें पता करी, कौन सी, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, आरएफ और लेंथ ऑफ ड्राइंग। तो कौन कौन सी चीजें भी देखी बच्चा, जो ऑब्जेक्ट की रियल लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, और कई केसेस में ये एल मैक्स हो सकती है, हमेशा नहीं बच्चा, मैंने क्या बोला हमेशा नहीं, वो आगे के केसेस में बताऊंगा आपको। उसके बाद लेंथ ऑफ ड्राइंग को बच्चा हम लेंथ ऑफ स्केल यानी कि एल ओ एस से एल से नोट करते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और आरएफ बच्चा मैं बताऊं, आरएफ एक ऐसा चीज है, मतलब ऐसा समझ लो इसको, ऐसा फ्रैक्शन है जो कि ये शो करेगा कि आपकी जो ऑब्जेक्ट की रियल एक्चुअल लेंथ थी उसको ड्राइंग में बनाने के लिए कितने टाइम रिड्यूस किया गया है या फिर कितने टाइम एनलार्ज किया गया है। तो आरएफ शोज दैट हाउ मेनी टाइम्स द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिड्यूस्ड और एनलार्ज्ड। तो बच्चा एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू, यहां से हमने क्या देखा, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू आरएफ बराबर क्या था बच्चा, लेंथ ऑफ ड्राइंग, यानी कि आरएफ से हमने क्या देखा, आरएफ बराबर लेंथ ऑफ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके बच्चा, इसके बाद हमने क्या देखा बच्चा, अगर हम स्केल पढ़ रहे हैं तो यूनिट्स पढ़ना, यूनिट्स आना तो हमें बहुत जरूरी है। तो यूनिट्स भी बच्चे हमने तीन टाइप की देखी, लाइनियर मेजरमेंट वाली, स्क्वायर मेजरमेंट वाली, एफपीएस मेजरमेंट वाली। अब लाइनियर मेजरमेंट में देखा बच्चे हमने 10 mm बराबर 1 cm, 10 cm बराबर 1 dm, ऐसे हमने लास्ट तक देखा। हमने स्क्वायर मेजरमेंट में देखा 100 mm स्क्वायर बराबर 1 cm², ऐसे हमने एफपीएस मेजरमेंट में देखा, ये देखी। तो इनका स्क्वायर सेट पिछले बच्चे, और अगले लेक्चर में ये सारी यूनिट्स याद करके आना, और ये सारी चीज़ें मैंने बताई है इनको अच्छे से अपनी एक कॉपी स्केल वाला चैप्टर डालिए, उसमें अच्छे से नोट कर लीजिए, और अगले लेक्चर में इनकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।